उसने मुझे मोटी कैसे कह दिया? Who is she to tell me anything about myself? आप किसी को जज कैसे कर सकते हैं? बॉडी शेमिंग बंद कर देना चाहिए। आप भी यही मानते हैं? अगर यस, तो मुझे बहुत ही गुस्सा है उन लोगों के प्रति कि जो ये मानते हैं कि अगर उन्होंने हमें ऐसा बनाया है तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। बिल्कुल नहीं। अगर आप ये मानते हैं, इसका मतलब है आप अभी तो अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, फ्यूचर में आपको लॉन्ग टर्म पेन मिलने वाला है। एक्सेप्ट उन चीजों को करना चाहिए जिसे आप बदल नहीं सकते। आप अपनी हाइट को शायद बदल नहीं सकते, आपके बालों का टेक्सचर शायद बदल ना पाए, बट आपका वजन तो आप बदल सकते हैं ना, उसे तो आप कम कर सकते हैं। अगर उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर बदलाव कब लाएंगे? बारिश हुई और पकौड़े और चाय ले लिया, घर पे पार्टी रखी और वहां पर पिज्जा और कोक ले लिया, और उसमें सूखी सूखी पार्टी तो थोड़ी ना कर सकते हैं, तो अल्कोहल ले लिया। क्यों? क्योंकि हम तो अपने आप को प्यार करते हैं ना, और इसीलिए जब दुखी हो जाते हैं चॉकलेट और आइसक्रीम्स याद आते हैं। जब हमें टाइम पास करना होता है तो अपने आप का ख्याल रखने के लिए हम रात को 2-2 बजे तक बिंज वॉच करते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर अलग अलग शोज, और वो चिप्स खाते हैं। व्हाई? बिकॉज वी लव आवर सेल्फ, राइट? ये सेल्फ लव नहीं है, ये अपने आप को और अपनी हेल्थ को, जिंदगी को बर्बाद करने का एक सिंपल सा तरीका है। इसे हमने नाम दिया है सेल्फ लव का, बट ये है डिस्ट्रक्टिव सेल्फ लव। मैं आपको बताती हूँ कंस्ट्रक्टिव सेल्फ लव किसे कहते हैं। जब आपके दोस्त अल्कोहल ले रहे हैं और आपको ऑफर कर रहे हैं, और तब आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, और मे बी आप कोई हेल्दी ड्रिंक लेते हैं, इसका मतलब आप अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। जब आपके आसपास सारे लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और सिर्फ पिज्जा और हेल्दी चीजें खा रहे हैं, और अगर आपको इच्छा नहीं होती है वो खाने की, इसका मतलब आप अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। जब आप जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप का आप ख्याल रख रहे हैं। जब आप सैलड खाते हैं हर रोज, आप अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने आप का आप ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि इस केस में आपका बॉडी, आपकी लाइफ, जिंदगी भर आपके साथ खुश रहने वाले हैं। इससे आसपास के लोग और आपकी खुद की सेल्फ हमेशा खुश रहेगी। ये है सही में सेल्फ लव। 2 मिनट का ही टाइम है, मैगी बना लेती हूँ। टीवी देख रहे हैं तो चिप्स और कोक तो खाना ही पड़ेगा। ये सारे जो कनेक्शंस हमारे दिमाग में बिठाए गए हैं ना, खाने के और इमोशनल मूड के साथ, उसमें हमारी गलती नहीं है। ये हमारा अनकॉन्शियसली कंडीशनिंग हो चुका है आसपास की सोसाइटी एडवर्टीजमेंट के द्वारा। पावलोव करके एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उनके पास जो एक ग्रुप था डॉग्स का, उनको एक स्पेसिफिक समय पर वो बेल बजाते और उसके बाद उनको खाना देते। कुछ दिन के बाद डॉग का प्रोग्रामिंग हो चुका था कि जैसे ही बेल बजे खाना मिलेगा तो उनके मुंह में से सलाइवेशन शुरू हो जाता था, फिर भले ही उनको खाना क्यों ना दे। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है। हम भी हमारे दिमाग में जैसा फील करते हैं, जैसी सिचुएशन होती है, वैसा ही हम खाना एक्सपेक्ट करते हैं। 1920s की बात है, जब US में नया नया विमेन स्मोकिंग शुरू हुआ था, तब लोगों को ये फीलिंग हुआ था कि हम भी मेल से कम नहीं है, तो वो फ्रीडम का अनुभव करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने स्मोकिंग शुरू किया था। आपको पता है ये उनकी गलती नहीं थी, मेजर गलती थी आसपास जो मार्केटिंग किया गया था उसका, और वो था 1920s में एडवर्ड बर्नस करके एक इंसान की, जो सिगमंड फ्रूइड के नेव्यू थे। उन्होंने लोगों के दिमाग में सिगरेट, क्योंकि उनको बेचना था, एक प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया। लोगों को ये समझाना शुरू कर दिया कि अगर आप फ्री होना चाहते हैं, अगर फीमेल्स विमेन फ्री होना चाहती है, उनको भी सिगरेट स्मोक करने का अधिकार है। उन्होंने तो एक किताब लिखी है कि कैसे आप ग्रुप को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो हमें क्या पता कि शायद बॉडी शेमिंग भी एक मार्केटिंग गिमिक हो। शायद कोई फास्ट फूड कंपनी चाहती है कि हम उनकी प्रोडक्ट बस खरीदते रहे और उनका प्रॉफिट होते रहे। तो हमें जागना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये सारी सच्चाइयां, जो कड़वी सच्चाइयां हैं, मैं आपको बताती रहूं और आपकी आंखें खुले, आप अपनी हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, तो ही आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज मोटापा दुनिया का और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम बन चुका है, जहां जितनी भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं, ज्यादातर मोटापे से शुरू होती है। आपको पता है एक फीमेल के ऊपर उसके पूरे परिवार की खुशियां डिपेंडेंट होती है। तो जब आप खुश है अपने शरीर के साथ, अपने बॉडी के साथ, ऑटोमेटिकली आपका परिवार भी आपके साथ खुश रहने वाला है। आप अच्छे से उनकी सेवा भी कर पाएंगे और जो भी काम में आप सफलता पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। बट लेट अस स्टार्ट लविंग आवरसेल्फ इन द राइट वे।